अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मुगीस अली। पाकिस्तान की सियासत में कुछ दिन ज़ोर शोर की गर्मी रहने के बाद फ़िलहाल ऐसे है कि जैसे खामोशी है, लेकिन इस खामोशी के पीछे बहुत से बाज़ जो सियासी मुबसरीन हैं उनका कहना है कि इसके बाद कोई तूफ़ान आने वाला है। लेकिन हमने देखा है कि बहुत बड़े तूफ़ान सामने आए थे। एक मौलाना फजल रहमान का धरना भी हमारे सामने से गुजरा है, दूसरा आपके सामने इन हाउस तब्दीली की अब बातें हो रही हैं। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा प्लान, जैसे हम बहुत से जो सियासी जो साफ़ी हैं जिन्हें हम ये कह सकते हैं जिनकी सियासत पे बहुत गहरी नज़र है, उनका कहना है कि लंदन में एक नया प्लान बनने जा रहा है। और जो प्लान है उसके अंदर शहबाज शरीफ ने पार्टी के कुछ रहनुमाओं को बुलाया है जो इस टाइम लंदन में मौजूद हैं, और उनकी मुलाकात शहबाज शरीफ से होनी है। उसके अंदर जो मामला तय होने हैं वो बताया ही जा रहा है कि वो इन हाउस तब्दीली के लिए जो इत्तेहादी पार्टियां हैं हुकूमत की उनसे रबते करेंगे, और जो नाराज़ अराकीन हैं उससे भी रबते करेंगे। आपको मैं बता चलूं कि इन नाराज़ अराकीन में वो लोग शामिल हैं जिन्हें अभी तक पीटीआई हुकूमत की जान से फंड्स नहीं मिले, और उनका बहुत से प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर उनका जिक्र भी हो चुका है, और उनको उन प्रोग्राम में ऑन एयर भी कराया गया है। और ये बताया गया है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो फंड्स ना मिलने की वजह से परेशान हैं और वो पर तोल रहे हैं कि किस तरफ जा सकें। ये खैर एक जेस्चर होता है या ये एक चीज़ दिखाई जाती है कि ये भी साथ हो रहा है। लेकिन अभी मैं फोकस करूंगा लंदन प्लान के ऊपर। ख्वाजा आसिफ और अयाज सादिक वहाँ पर मौजूद हैं, मरियम औरंगज़ेब भी हैं। अयाज सादिक और ख्वाजा आसिफ के बारे में बिल्कुल मशहूर है कि ये विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं और खेलने के भरपूर माहिर हैं, और हमेशा इन्होंने विकेट के दोनों तरफ खेला है जैसे शहबाज शरीफ खेलते हैं, और बैकडोर रबतों में इनका बहुत कलीदी किरदार होता है। तो वहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून की क्यादत इकट्ठी हो रही है वहाँ पर एक प्लान बनाया जा रहा है जिसका मकसद हुकूमत को ख़त्म करना और इन हाउस तब्दील लाना। लेकिन ये दिसंबर के महीने में बिल्कुल नहीं होगा। दिसंबर का महीना इस साल का इंतज़ार किया जा रहा है, और ये तमाम दर हिकमत अमली नए साल में शुरू होगी। मैं आपको यहाँ बता चलूँ कि एक बहुत ही जो सबके लिए हैरान कन तो बात नहीं होगी, लेकिन ये एक शौकी खबर है कि इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए एक बार फिर मौलाना फजल रहमान जो पार्लियामेंट और हर जगह से आउट हैं वो भी लंदन जाएंगे, और उनका लंदन जाने का प्रोग्राम है। वो नवाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे, और वहाँ पर बैठकर वो जो इन हाउस तब्दीली का जो उन्होंने एक नया प्लान बनाया हुआ है उस पर अमल दरामद किस तरह हो सकता है वो उस पर सोचो विचार करेंगे। लेकिन हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि रातों रात हुकूमत गिर रही है, बल्कि वो रात को प्रोग्राम करके जब सोते थे सुबह उठते थे और कहते थे कि जी आज हुकूमत गिर जाएगी, बल्कि रात को ही वो हुकूमत गिरा कर सोते थे और सुबह देखते थे कि हुकूमत तो यार वैसे ही खड़ी है। फिर वो नया कोई ऐसा प्रोपेगेंडा करते थे जिससे लगता कि हुकूमत आज जाने वाली है कल जाने वाली, लेकिन इस हैजान से इस जो इंतशार की सियासत थी वो अल्लाह अल्लाह करके ख़त्म हुई है। और आज जो हम मुल्क को देख रहे हैं, आपके सामने स्टॉक मार्केट कहाँ तक जा चुकी है, पाकिस्तान को आलमी इदारे फंडिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान के जो अकाउंट खसारा था वो ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल बहुत कम रह गया है, ख़त्म तो नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि जो ये साइंस हैं ये वो साइंस हैं कि मौशत हमारी तरक्की की जानब जा रही है। और आज आपको ये खुशखबरी भी सुनाई है सब पाकिस्तानियों को जो बाहर दोस्त बैठे हैं ओवरसीज़, उनके लिए, क्योंकि उनके दिल पाकिस्तान की मोहब्बत के साथ रखते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी क़यादत आए जो मुल्क को, क्योंकि वो ख़ुद फर्स्ट वर्ल्ड में आप रह रहे हैं, हमें पता है कि आप वहाँ देखते हैं, वहाँ का निज़ाम देखते हैं, तो आपके भी दिल में ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह से निज़ाम हो कि अच्छा हुक्मरान आए जो मुल्क के अवाम की खातिर सोचे। तो उनके लिए खुशखबरी है कि जनवरी और फरवरी के महीने में जो अवाम इस महंगाई से बेजार थे, महंगाई की वजह से उनको मुश्किलात आ रही थी, वो बिल्कुल कम होना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे कि डॉलर बिल्कुल नीचे आना शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान का रुपया तगड़ा होगा, पेट्रोल की कीमतें वो भी कम आएगी, और उसके बाद जो महंगाई का है क्योंकि ट्रिकल डाउन है, मशहूर जैसे ऊपर सही हो रही है, ऊपर साइंस आ रहे हैं, लोगों में इतमाद बढ़ रहा है, नीचे तक जाएगा और ग्राउंड रूट्स तक जाएगा, लोगों को रिलीफ मिलेगा। और इसका रिलीफ का जो अभी लोग क्योंकि कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के पास पैसे आए हैं, पाकिस्तान के स्टॉक चेंज सही हुई है, तो उससे अवाम को क्या फ़ायदा, अवाम तो वैसे रो रही है, टमाटर महंगा मिल रहा है, ये मिल रहा है। लेकिन जो मईशत को देखते हैं, मईशत के ऊपर जो गैर नज़र रखते हैं, जो मईशत को जानते हैं, उनको पता है कि पहले आप हमेशा ऊपर से जब आप चीज़ें सेट करके लेके आ रहे होते हैं तो वो ट्रिकल डाउन नीचे तक आती हैं,
वो सब ऐसा ऐसा उसके सम्राट आवाम तक मुंतकिल होते हैं और ये सबको पता है कि मस्जिद कोई ऐसी नहीं है एक चाबी कि आप लगाएं और फौरन ठीक हो जाए, उसके लिए आपको टाइम लगता है क्योंकि इसको बिगाड़ने में भी टाइम लगा तो उसको संभालने में भी टाइम लगेगा। खैर ये थी ये खुशखबरी के जनवरी और फरवरी के महीने में आप देखेंगे कि जो प्राइस हैं जितनी भी महंगाई हो रही है वो बिल्कुल नीचे आ जाएगी और उसके जो सम्राट हैं आवाम तक लाजमी मिलेंगे और लग भी रहा है क्योंकि जो मईशत को देखते हैं उन्हें समझ आ रही है कि अगर ये चीज़ें इतनी मजबूत हो रही हैं तो ज़ाहरी बात है कि इसका जो रिलीफ है वो आखिरकार आवाम को मिलना ही है। ये तो वो बात थी जो खुशखबरी थी जो हम आप तक पहुँचा रहे थे। दूसरी, इमरान खान बिल्कुल भी जो अपोजिशन है उनको वो किसी भी खातर में नहीं ला रहे और उनको बिल्कुल जो अपना इस टाइम फोकस है वो ब्यूरोक्रेसी पर है और उनका डिलीवरी पर है कि वो किस तरह से पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करें और किस तरह पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ पहुंचाएं, क्योंकि आपने देखा कि जब से हुकूमत आई है तब से ब्यूरोक्रेसी ने बिल्कुल पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का साथ नहीं दिया। हुकूमत को हमेशा उन्होंने समझा ही नहीं कि हुकूमत है और उनके नज़दीक ये लग रहा था कि आज आ रही है कल जा रही है, हुकूमत ने रहना नहीं है, और बल्कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर समझते ही नहीं थे, वो अपनी जगह इमरान खान को एक अपोजिशन लीडर समझ रहे थे। खैर इमरान खान ने अब फैसला कर लिया है कि वो ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे जो कुछ डिलीवर करेंगे, बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बिल्कुल यहाँ से निकल जाएंगे। और ये अच्छा फैसला है कि जो देखें जो सरकारी तनख्वाह से पैसे ले रहा है, जो मुल्क की खजाने से पैसे ले रहा है, उसका काम मुल्क के अवाम के लिए खिदमत करना है। अगर उनका ब्यूरोक्रेसी का अगर किसी के सियासी तौर पर किसी की तरफ रुख होगा, दिल होगा, तो ये मुल्क के लिए मफाद में नहीं है, क्योंकि देखिए रियासत तो माँ जैसी होती है, पार्टियाँ आती जाती हैं, एक सरकारी मुलाजम है उसका काम है कि वो आम को रिलीफ पहुँचाए, बल्कि ये नहीं है कि उनको जहमत दे। आपने देखा होगा कि जितने काम थे उनको पेंडिंग कर दिए, ना कोई साइन कर रहे हैं, ना कोई किसी किस्म का प्रोजेक्ट लॉन्च करने की इजाज़त दी जा रही है, बल्कि उसके ऊपर मसाइल खड़े कर जाते हैं। और ये पाकिस्तानियों को भी पता है कि एक अगर काम लटकाना हो तो कितना उसके ऊपर आप सरकारी मुलाजमीन हैं उसको किस तरह से वो उसके अंदर मसले खड़े कर सकते हैं। ये कुछ जो चंद बातें थी जो मैं आपकी गोश गौर कर था। एक दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर था जो सबको पता भी है और इस पर बड़े लोग अभी तक हैरान भी हैं कि मरियम नवाज़ का ट्विटर अकाउंट अभी तक बंद जा रहा है, क्योंकि अब तो वो आज़ाद हैं। पहले तो कुछ मसले मसाइल बताए जा रहे थे कि ये है वो है, लेकिन जब से उनकी बेल हुई है उनके वालिद बाहर जा चुके हैं, लेकिन वो बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये तब तक खामोशी है जब तक हालात साजगार नहीं होते और देखा नहीं जाता कि पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है। इससे यह अंदाज़ा होता है कि एक पूरी डील गेम के तहत ये प्लान किया जा रहा है। और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने भी कहा है मरियम नवाज़ को कि जब तक हालात हवाओं का रुख हमारी तरफ नहीं आता तब तक आपने कोई ऐसी ट्वीट नहीं करनी जिससे हमारा जो बना बनाया प्लान है वो फ्लॉप हो चुके। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई प्लान है नहीं या ऐसी कोई इदारों ने किसी को गारंटी नहीं दी थी कि पाँच साल से पहले इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की जाए। उन्होंने कहा कि पाँच साल तक हुकूमत इमरान खान करेगा, पाँच साल आपको मौका दिया, सबको दिया, जमहूरियत का तसल्लुत चाहिए। जब आप लोग हुकूमत में थे तो आप कहते थे कि जमहूरियत चलनी चाहिए चाहे लुंगड़ी हो लूली हो, तो आज भी इमरान खान वैसे हैं, तो ये नहीं हरगज नहीं हो सकता कि इमरान खान की हुकूमत को आपके कहने पर ख़त्म कर दिया जाए और नए इलेक्शन कराए जाएँ। पाकिस्तान इस वक्त जो क्राइसिस है मईशत के, इसका मुतमिल नहीं है कि नए इलेक्शन हो। इन हाउस की इसलिए तब्दीली की बात की जा रही है कि इदारे हैं, मैं आपको पता है इदारों का जो पाकिस्तान की सियासत में अहम किरदार अदा करते हैं, उन्हें साफ कहा है कि नए इलेक्शन नहीं हो सकते। आप हाँ आपने कुछ करना है तो आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, हुकूमत को साथ टफ टाइम दें, उनके साथ आप जो आपके गरीबों के जो मसाइल हैं आम आवाम के मसाइल हैं आप उजागर करें, हुकूमत भी आपके साथ नेगोशिएशन करेगी। अगर वो लगता है कि मसाइल आवाम के हल के लिए हैं तो क्यों नहीं बात की जाएगी, सब लोग यहाँ पर हैं और आवाम के नुमाइंदे हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप नए इलेक्शन कहें और पूरा सिस्टम उखाड़ के बाहर फेंक दिया जाए, तो ऐसा बिल्कुल करते हुए या नजर आते हुए नहीं देखा जा सकता। मरियम नवाज़ की जो बात की, मरियम नवाज़ का ट्विटर अकाउंट भी इसी की एक कड़ी है कि वो अभी तक खामोश है और वो देख रही हैं कि किस तरह हवाओं का रुख चेंज हो। तो अब आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि अभी तक फ़िलहाल हवाओं का रुख किस तरफ नहीं है बल्कि इमरान खान की जानब है, और इमरान खान
साबिक कर्मी के साथ डटे हुए हैं और उन्हें पता है कि अपोजिशन के पास ना दमखम नहीं है कि वो उन्हें उड़ा सके। लेकिन इस वक्त जो बिल्कुल जो एक आपको पता है कि अपोजिशन की जो एक लाइफ है या उनकी एक होप है या वो अपने आप को किस तरह जिंदा रख सकते हैं, वो एहतजाज इस तरह से करने से, इस तरह की बातें निकालने से, क्योंकि जब अपोजिशन होती है तो उनका काम यही होता है कि जो हुकूमत काम कर रही है उसे काम ना करने दिया जाए। अगर वो अच्छा डिलीवर करेगी तो उनके लिए आगे आने का चांस नहीं है। और ये भी एक लंदन प्लान इसी का हिस्सा है और इन हाउस तब्दीली की बातें की जाएंगी, लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा कि इन हाउस तब्दीली हो सकती है, क्योंकि पीपल पार्टी को अपने मफादात अजीज़ हैं, मुस्लिम लीग नून को अपने मफादात अजीज़ हैं, मौलाना फजल रहमान को आपको पता है कि परमिट चाहिए होता है, वो डीजल के परमिट पे खुश होते हैं और वो उनके मफादात अजीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर और चेयरमैन सेनेट के आपने इलेक्शन में देख चुके हैं, इसमें कतन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन फिलहाल जो एक पैनिक क्रिएट किया जाएगा वो इस तरह से क्रिएट किया जाएगा कि मुल्क के अंदर जो माहौल है वो सियासी जो पारा है वो हाई रहे, बिल्कुल सुकून ना। आप देखें कुछ दिनों में भी बिल्कुल कुछ दिनों में सुकून आया तो कैसे आपने देखा कि पूरे मुल्क में तीन बातें होने लगी, एक डिलीवरी के हुकूमत डिलीवरी की तरफ गामजन हो चुकी है, दूसरा ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ बचाओ, तीसरा जो सबसे अहम पॉइंट था वो ये था कि मोशत के बारे में लोग बात करने लगे कि मोशत सही हो रही है, मोशत ऊपर जा रही है। तो अब एक आपने देखा होगा कि एक लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे और वो कहते थे कि पाकिस्तान में लोग रोज़गार नहीं है और नौकरियाँ नहीं हैं और लोग कैसे बाहर से आएंगे। तो आपने देख लिया होगा कि तानिया जो गूगल की छोड़ के नौकरी आई हैं और वो पाकिस्तान के लिए कितने मुखलिस हैं और कितना ज़बरदस्त प्लान लेकर आई हैं कि पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को डिजिटल कर दिया जाए। और ये हकीकत है कि जो हम सिस्टम में रह रहे हैं वो बहुत पुराना सिस्टम है और हम जो फर्स्ट वर्ल्ड है उसके साथ मीट नहीं कर सकते। अगर ये सिस्टम आ जाता है तो इससे एक तो रोज़गार सामने रोज़गार के मौके मिलेंगे, दूसरा ये है कि बहुत सी जिद्द के साथ लोगों को आसानी पैदा हो जाएगी, जो उनके मसाइल उन्होंने दफ्तरों के चक्कर काटने होते थे अब वो एक मोबाइल क्लिक पर भी अपना काम करा सकते हैं। ये कुछ आज की इन्फॉर्मेशन थी और कुछ आज की बातें थी। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे इस तरह से जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।